के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि सेफ और ओपन डायलॉग्स को डायलॉग बॉक्स के ऊपर हम कैसे काम कर ले। उसके बाद हमने बताना था कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर हम लोग कैसे काम करें। फॉर एग्जांपल, यूजर अगर प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, प्रिंट का डायलॉग ओपन होना चाहिए और उसमें जो भी सेटिंग करने हैं यूजर को, वो यूजर सेटिंग करेगा। उसके बाद प्रिंट के बटन पर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, यहाँ पर प्रिंट डायलॉग में जाना होगा और यहाँ पर प्रिंट डायलॉग को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने प्रिंट डायलॉग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये प्रिंट डायलॉग वन के नाम से। अब इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम फिलहाल इस प्रॉपर्टीज को कोई नहीं देखते हैं। फिलहाल हम क्या देखना चाह रहे हैं, इसके प्रिंट के क्लिक के ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट के क्लिक के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर प्रिंट के क्लिक के ऊपर मैंने कुछ काम करे हैं ऑलरेडी, वो मैं समझा देता हूँ क्या काम किया। सबसे पहला काम तो मैंने किया प्रिंट का डायलॉग ओपन करवाया। जो प्रिंट का डायलॉग हमने बनाया था उसका मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। उसके बाद प्रिंट डॉक्यूमेंट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आप उस वक्त तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर आप इस नेम स्पेस को क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन के अंदर, अपने नेम स्पेस के अंदर ऐड नहीं करेंगे। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर नेम स्पेस, देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ तो होगा क्या, यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये प्रिंट डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा। राइट क्लिक करके रिजोल्व करूंगा और यहाँ पर जाके इसको ऐड करूंगा तो ये प्रिंट डॉक्यूमेंट अब काम करने लग गया हमारा। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट का नाम कौन सा होना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या प्रिंट करना था, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो होगा उसको हमने प्रिंट करना है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसलिए हमने पीडी डॉट डॉक्यूमेंट नेम लिख दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। उसके बाद हमने इस डायलॉग बॉक्स को, जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है, उसको बताना है कि भाई कौन सा डायलॉग, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है। मैंने कहा ये वाला डॉक्यूमेंट जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, आप इसको यहाँ पर भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्रिएट क्लिक किया आपने, प्रिंट डायलॉग पे जाके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ना, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर ये सारा काम यहीं पर कर दिया कोडिंग के थ्रू। फिर हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया P1 डॉट अलाउ करंट पेज ट्रू, और हमने अलाउ सम स्पेसेस ट्रू कर दिए। ये क्या होता है कि जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको इसको समझा दूंगा कि हमने यूजर को बता दिया है कि यूजर अपने हिसाब से कौन से पेज को प्रिंट करना चाहता है, उस पेज को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन हमने ऑन करवा दिए। और आखिर में वही सेम काम कर दिया कि अगर प्रिंट डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है और ओके का बटन प्रेस हो जाता है तो आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को जो आपने यहां पर बनाया इसको प्रिंट कर दें। तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ये छोटी सी कोड लिखी है हमने और इसको मैं रन कर देता हूं। अब जैसे ही रन करूंगा, रन करने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं चेक प्रिंट, और फाइल में जाके मैं प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही प्रिंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, साथ साथ प्रिंट का ऑप्शन, कौन सा प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये प्रिंट का रेंज जो हमने वहां पर ट्रू करवाया था कि मैं यहां पर पेज सेलेक्ट कर सकता हूं और ऑल पेजेस को प्रिंट कर सकता हूं, लेकिन नोटपैड के अंदर कोई पेजेस होते ही नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर जाके फॉल्स करवाएंगे। अगर यहां पर मैं फॉल्स करता हूं तो देखो क्या होता है, फॉल्स किया तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं। अब यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट, प्रिंट करूंगा, यहां पर देखें अब ये पेजेस और सिलेक्शन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट का डायलॉग ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट का ओके करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट ओपन हो जाएगा। सो ये तो हो गया प्रिंट का काम। अब ये तो डायरेक्टली प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे प्रीव्यू भी देखना है, प्रिंट किस तरह आएगा उसका प्रीव्यू मुझे देखना हो तो आपको उसके लिए भी यहां पर प्रिंट के प्रीव्यू के बटन के ऊपर काम कराना होगा। उसके लिए सबसे पहला काम हम करेंगे प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू का यहां पर डायलॉग बॉक्स को यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहां पर कर दिया प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग वन के नाम से। और उसी के साथ एक और चीज हमें डायलॉग ओपन कराना होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट का, ताकि हम यूजर को यह बता सकें कि कौन से डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपने शो करवाना है। इसलिए दो कंट्रोल्स हमने यूज की, एक कंट्रोल प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग वन, दूसरा प्रिंट डॉक्यूमेंट, इसको ओपन करवाया। अब प्रिंट डॉक्यूमेंट के अंदर मैं क्लिक करूंगा और इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। यहां पर इसके प्रॉपर्टीज के अंदर एक इवेंट है, इवेंट्स के अंदर इवेंट है प्रिंट पेज का, कि कौन सा पेज प्रिंट करना है वो हमें यहां पे बताना होगा यूजर को। तो जब यूजर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेगा तो वो पेज क्या हो जाएगा, यूजर को प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। उसके लिए यहां पर हमने प्रिंट पेज के ऊपर डबल क्लिक कर दिया,
जैसे हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये मेथड हमारे पास ओपन हो जाएगा प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट पेज का, और उसके इवेंट इसके अंदर एक इवेंट है प्रिंट पेज इवेंट। इसी इवेंट को यूज करते हुए हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे थोड़ा सा। क्या चेंजेस की? मैंने कहा कि भाई प्रिंट प्रीव्यू के इवेंट के अंदर जो चीज आपने शो करवाना है प्रिंट पेज के ऊपर ग्राफिक्स, जो यानी ग्राफिक्स का मतलब जो जगह, ग्राफिक्स का मतलब आप जो टेक्स्ट लिखेंगे, जो इमेज होगा उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ड्रॉ करना है स्ट्रिंग को, उसको आपने क्या करना है यूजर को प्रीव्यू दिखाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे इस ड्रॉ स्ट्रिंग के अंदर, सबसे पहला काम हमने कहा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको ले लो, उसको लेना है। उसको लेने के बाद आपने क्या करना है उस टेक्स्ट को कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, यानी उसका फाउंट चेंज करना है, आपने कैलिब्री फाउंट में लिखना है, पॉइंट्स कम से कम 15 होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए, ये काम कर सकते हैं। उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद उसकी साइज किस तरह की होनी चाहिए, मैंने कहा एक्स एक्सिस में 100 होना चाहिए, वाई एक्सिस में 100 होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर प्रिंट पेज के अंदर इस डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट वन के प्रिंट पेज के जो इवेंट है उसके अंदर हमने ये कोड लिखाया। क्लियर है? ये कोड लिखना जरूरी है ताकि वो प्रिंट को प्रीव्यू करने के लिए काम आएगा, इसको उठा के प्रीव्यू करवा देता है। दूसरा काम हमने करवाना है अब प्रिंट प्रीव्यू के डायलॉग के ऊपर, कि जब मैं प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग ओपन होना चाहिए, और जैसे ही यूजर उस प्रिंट प्रीव्यू के डायलॉग के ऊपर ओके का बटन प्रेस करेगा तो होना क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट बनाया था हमने प्रिंट डॉक्यूमेंट के नाम से वो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। सो ये काम ये इस तरह हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर हमने ग्राफिक्स बता दिए प्रिंट प्रीव्यू के प्रिंट पेज पे, और यहां पर हमने प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाया। मैं तो इसको एक दफा चेक कर लेते हैं, स्टार्ट कर दिया, यहां पर मैंने कर दिया चेक प्रिंट प्रीव्यू, और यहां पर फाइल में जाके मैं करता हूं प्रिंट प्रीव्यू। अब यहां पर एक मसला हो गया कि जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया यहां पर प्रिंट प्रीव्यू नहीं आया, क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन एनी पेजेस, यहां पर डॉक्यूमेंट में अंदर कोई पेजेस है ही नहीं। यहां पर एक छोटा सा काम करना होगा आपको उसके लिए, पेजेस को शो कराने के लिए, जो प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स हमने बनाया था उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप, उसके प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर आपने बताना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट प्रीव्यू कराना है। तो हमने कौन सा डॉक्यूमेंट कराना, डॉक्यूमेंट वन, इसको सेलेक्ट करना है, उसको सेव कर देना। वंस ये सेव हो जाएगा आपने दोबारा रन करना है, और रन करने के बाद आप यहां पर आप लिखेंगे चेक प्रिंट प्रीव्यू, और इसको क्लिक करेंगे, देखो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, देखें ये प्रिंट प्रीव्यू नजर आएगा। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं इसका, जो हमने यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर जो फाउंट्स वगैरह बताए थे वो सारे फाउंट यहाँ पर नजर आ जाएंगे इसी तरह का सेम। अगर मैं यहाँ पर जाके कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक को यहाँ पर कर देता हूँ मैं डॉट ब्लू, तो प्रिंट प्रीव्यू किस तरह का होगा, जो प्रिंट का प्रीव्यू होगा वो ब्लू में होगा। क्लिक करूंगा मैं इसको और यहाँ पर जाके प्रीव्यू करूंगा तो देखें अब ये जो कलर आ रहा है वो किस में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, ये ब्लू में आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह आप ये चीजें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ये सेंटर में किस लिए आ रहा है, मैंने यही बता रहा था 100 और 100 हमने रखा कि एक्स एक्सिस में भी 100 होना चाहिए, वाई एक्सिस में 100 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल बीच में प्रिंट हो जाए। क्लियर है? सो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट डायलॉग्स को यूज करते हुए, डिफरेंट चीजों को यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, एक नोटपैड क्रिएट कर दिया। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम खुद से एक डायलॉग बुक्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।